में सोमवार को सरकारी स्कूलों में रसोइयों की नौकरी कर रही सैकड़ों महिलाओं ने अनोखे अंदाज में वेतन बढ़ोतरी की मांग की है। अंबेडकर पार्क से जुलूस की शक्ल में कचहरी परिसर पहुंची महिलाओं ने हाथों में बेलन लेकर जमकर नारेबाजी की। रसोइयों का आरोप है कि पिछले 15 सालों से नौकरी करने के बावजूद भी उन्हें महज 1000 रुपए का वेतन दिया जा रहा है। प्रति माह 10000 रुपए वेतन की मांग करी महिलाओं ने वेतन बढ़ोतरी न होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। हाथों में बेलन लेकर जा रही सैकड़ों महिला रसोइयों ने सोमवार को जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर मुरादाबाद मंडल की महिला रसोइयों ने आज डीएम को ज्ञापन दिया। महिलाओं के प्रदर्शन के चलते अंबेडकर पार्क से कचहरी तक जाम लगा रहा। इस दौरान महिलाओं ने आरोप लगाया कि परिषदीय स्कूलों में नौकरी करते हुए उन्हें 15 साल हो गए हैं और सरकार वेतन के नाम पर महज 1000 रुपये का भुगतान कर रही है। महिलाओं का कहना था कि आज के दौर में 1000 रुपये से घर का खर्चा चलाना संभव नहीं है और सरकार वेतन भी एक साल में 11 महीने का ही दे रही है। रसोइयों ने मांग की है कि उनकी सेवा को नियमित किया जाए, साथ ही 10000 रुपये का मानदेय हर महीने दिया जाए। दुर्घटना बीमा, इलाज में सरकारी खर्चा देने की मांग कर रही महिलाओं ने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। दस महीना का वेतन देते हैं, 11 महीने काम कराते हैं, 1 महीना बेघर कराते हैं। कहाँ पे काम करती हैं? क्या ये सरकारी स्कूलों में मिड डे मील खाना बनाती हैं, बच्चों को खाना पकाती हैं, उनके जूठन धोती हैं और यहाँ तक स्कूल की सफाई भी यही करती है पूरे की। तो क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि इन्हें 10000 रुपये मेहनत दिया जाए, इनके काम का आकलन किया जाए। ये इनका भी पेट है, इनके भी बच्चे को पढ़ाना होता है, ये भी खाना खाते हैं, ये भी इंसान है, इनकी तरफ ध्यान दे सकता है। सरकार ने ये कहा था कि हम अच्छे दिन लाएंगे और इन्होंने ये सोचा कि हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे। रसोइयों को बड़ी खुशी हुई, भाग भाग के इन्होंने वोट डाले, हमारा वेतन बढ़ जाएगा, लेकिन इनके तो सबके अच्छे दिन आ गए। रसोइयों के ये पूछने आई हैं हमारे अच्छे दिन कब आएंगे। यानी अभी टाइम है मोदी जी, योगी जी, अब यदि आपको इनकी तरफ कोई ध्यान है तो ध्यान दे लीजिए, वरना 2019 को ये हटा देंगी। 5.5 लाख रसोइया उत्तर प्रदेश में, लगभग 80-90 लाख पूरे देश में रसोइया है। क्या नाम है आपके संगठन का? उत्तर प्रदेश रसोई कर्मचारी।